नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पीयूष राय, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आर भारत। मुझे नहीं पता कि आपको कर्नाटक में जो हम्पी की स्ट्रक्चर के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, जो माता काली की मूर्ति को तोड़ा गया, जो लगभग 1000 साल से ज़्यादा पुरानी मूर्ति थी, आपको फोटो में दिखाना चाहता हूँ। इस पर मेरी पूरी वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि इस बात को आप शेयर करें, इस बात को आप उठाएं, नेशनल इशू बनाएं और ASI से सवाल पूछें कि उसने इसको कैसे होने दिया, इस घटना को कैसे अंजाम हो जाने दिया। आप ये देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े पीले बॉक्स के अंदर ये हरा हरा कुछ लिखा हुआ है, ये आयतें नज़र आती हैं, ये अरबी की शब्दावली है। फिर एक देख रहा होगा आपको छोटा सा हरे हरे सर्किल में कुछ लिखा हुआ है, ये दीवालों पे लिखा हुआ है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक रेडिकल हरकत है, रेडिकल इस्लामिक हरकत है, जिहादी हरकत है, सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली हरकत है? तो इस केस में कोई इशू क्यों नहीं बना, कर्नाटक गवर्नमेंट ने इशू क्यों नहीं बनाया, जांच का आदेश क्यों नहीं दिया? क्या आप ये होने देंगे जस्ट बिकॉज साउथ एक या तो इस्लाम के सिकंजे में फंसता जा रहा है या क्रिश्चियनिटी के सिकंजे में फंसता जा रहा है, तो उसको फ़र्क नहीं कि हिंदू समाज के सनातन धर्म के स्ट्रक्चर का क्या हो रहा है, होने देते हैं? उसका हेरिटेज खराब हो रहा है, कल्चरल चीज़ें खराब हो रही हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, मूर्तियाँ टूट रही हैं, टूटने देते हैं जस्ट बिकॉज हम तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नामक खाई में गिरते जा रहे हैं और सनातन से दूर जा रहे हैं। लेकिन क्या वहाँ की 100% पॉपुलेशन कन्वर्ट हो चुकी है? नहीं। क्या जितने भी बचे हैं उनके में इतना दम नहीं है कि आवाज़ उठाएं और उसको नेशनल इशू बनाएं? क्या 10,000 लोग भी ऐसे नहीं हैं? ट्विटर पे एक बार अगर 1-2 घंटे के अंदर अगर 5,000-10,000 लोग रीट्वीट या ट्वीट करने किसी एक मुद्दे पे हैशटैग चला दें तो वो ट्रेंड हो जाता है, नंबर 2 पे आ जाता है, नंबर 1 पे आ जाता है सर उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो लोग देखते हैं, जानते हैं कि ये क्या है जो देश में हो रहा है। तो आप ऐसे नहीं अवेयर करा सकते थे उस लाखों करोड़ों की पॉपुलेशन में? कुछ लोग भी ऐसे नहीं बचे हुए हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं था कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं कि देखिए कर्नाटक में क्या हो रहा है। लोगों का कहना कि ये इस हफ्ते की 2 ऐसी घटनाएं हैं जो ऐसी हो गई हैं और अभी तक सरकार चुप है, जांच एजेंसियां कुछ नहीं कर रही, ASI का कोई बयान नहीं आया, सेंटर तक बात भी शायद नहीं पहुंची होगी और कोई एक्शन लेना तो दूर की बात है। अभी तक एटलीस्ट हुआ भी होगा तो मेरे नॉलेज में नहीं, शायद वो न्यूज़ कर्नाटक से बाहर आई ही नहीं। आप लोग ये बातें रिसेंटली सुनते आए होंगे कि पाकिस्तान में गौतम बुद्ध की 1000 साल पुरानी मूर्ति जमीन के अंदर मिली और लोगों ने कैसे उसको तोड़ दिया, उसके ऊपर खड़े होकर अजाने दी। ठीक, आप लोगों को ये पता होगा कि पाकिस्तान में उसके अलावा भी कई मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी, रिसेंट की बात है। ठीक, वहाँ पर ये आम है, वहाँ पर कन्वर्जन होते हैं हिंदू लड़कियों के साथ, क्रिश्चियन के साथ, नॉन मुस्लिम के साथ, जो बुरा बर्ताव वहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है वहाँ सब हो रहा है। सेम चीज़ बांग्लादेश में रिसेंट अभी कोई मंदिर तोड़ा, हिंदुओं को, हिंदुओं पे मॉब अटैक हुआ, तमाम चीज़ें हो रही बांग्लादेश में जस्ट बिकॉज वो इस्लामिक कंट्री है, हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और होता है, हमारे अंदर ये उम्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर धरती के किसी और कोने में, चाहे मार्स पे, चाहे कहीं भी कुछ हो रहा हो, हमारी सभ्यता के खिलाफ उसको डैमेज करने के लिए, उसकी इंसल्ट करने के लिए, हमारे अपने लोगों पे अत्याचार कहीं हो रहा हो तो हम आवाज़ उठाएं एज अ कंट्री, एज अ कम्युनिटी, ये हम नहीं कर पाते, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट तो है कि पूरी दुनिया हमारा घर है, तो हमारे घर के किसी और कोने में कुछ हो रहा हो तो आप आवाज़ उठाएंगे कि नहीं? अगर आप में इतना दम नहीं है कि आप आवाज़ उठा सकते हैं तो जो उठा रहा है उसकी बात को दूर तक पहुँचाइए। आपकी उंगलियों के द्वारा किए गए क्लिक से आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे ये लगता है। इस वीडियो में आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाना चाहता हूँ, पाकिस्तान में क्या होता है, POK में क्या हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर पहले क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या होता आया है? ठीक, मतलब कितनी त्रासदियाँ हुई हैं हिंदुओं के साथ, उनकी सभ्यता के साथ, उनकी मूर्तियों के साथ, उनके मंदिरों के साथ, कन्वर्जन सब कुछ हुआ है, हमने सब बर्दाश्त किया है। क्या आप इस 2020 के या भविष्य में आने वाले किसी भी ऐसी चीज़ को बर्दाश्त करने वाले हैं, और अगर नहीं तो उसके लिए क्या स्टेप लेने वाले हैं? और एक सवाल तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बनता है कि ये दो बॉडीज, स्पेसिफिकली ASI जो बनी ही है इन सब की सुरक्षा के लिए, देखरेख के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इसने अपना काम सही से क्यों नहीं किया? क्या एक गार्ड भी नहीं बैठा था ये सब चीज़ों को देखने के लिए, रोकने के लिए? क्या सिक्योरिटी कैमराज भी नहीं लगे थे कि अगर देख लिया, कर भी दिया तो करते वक्त रोक दो? मूर्ति तोड़ना हलवा नहीं है सर, वहाँ पे स्प्रे करके और चीज़ों को लिख देना
पाँच सेकंड का काम नहीं है सर, समय लगता है। किसकी देखरेख में हो रहा कर्नाटक में ये सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और फॉल्ट दोनों ASI पे आके गिरता है और जनता को पूरी जिम्मेदारी से ये सवाल उठाना चाहिए कि क्या हम अगले किसी स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ होते हुए देखने का इंतजार करें या ASI पूरी सुरक्षा करेगी कि देश भर में जितने हिस्टोरिकल हेरिटेज स्ट्रक्चर जितने भी हैं उसकी निगरानी करेगी, कैमरे लगे होंगे, सिक्योरिटी होगी और ऐसा कुछ अगला हमें देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मिला तो जो करने वाला है वो पकड़ा जाएगा और पकड़े जाने के बाद उसका वो हश्र होगा, उसको याद आना चाहिए कि वो एक सेकुलर कंट्री में रहता है जिसकी वो दुहाई तब देता है जब आँच उसके ऊपर आती है। क्या ये आप एक्सेप्ट करेंगे कि जो हमारे देश के एक राज्य के एक मॉन्यूमेंट के ऊपर जो इतना पुराना हिस्टोरिकल हेरिटेज है उसके ऊपर कुछ अरबी आयतें लिखी होंगी और आप प्रोटेस्ट भी नहीं करेंगे, चाहे सोशल मीडिया पे क्यों ना हो? सवाल नंबर 3, क्या किसी मस्जिद के ऊपर हम ओम गायत्री मंत्र या कुछ भी ऐसा लिख के आ जाए तो आपको नहीं लगता कि लिखने वाला बचेगा नहीं? वो नेशनल इशू भी बन जाएगा, माइनॉरिटी खतरे में भी पड़ जाएगी और मामला शायद इंटरनेशनल बन जाए कि भारत में मुसलमान खतरे में है, भारत की माइनॉरिटी जो कि सिर्फ मुसलमान से आइडेंटिफाइड होती है वो खतरे में है और मामला UN तक पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ हजार साल से ज़्यादा पुरानी मूर्ति और स्ट्रक्चर बर्बाद कर दिए जाते हैं कुछ लिख के या तोड़ के और पूरा समाज चुप है। ये सवाल मेरा आपसे और आप खुद से पूछिए, जवाब मिल जाए तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट में बताइए और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा YouTube चैनल पे अगर देख रहे हैं तो, और नहीं तो YouTube चैनल पे जाके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।